अभी आकर ज्वेलरी पर रुकी हुई हूँ, देखती हूँ कुछ पसंद आता है तो उठा लूंगी। वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत सा। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूनम सिंह स्टूडियो। आज अभी हम लोग निकल लिए हैं घर से शॉपिंग के लिए, श्रेया को कुछ शॉपिंग करनी है तो हम जा रहे हैं मॉल, और मेरे साथ हैं श्रेया। श्रेया हेलो बोल रही है, और पीछे श्रेया की कार में कंबल वगैरह पड़ी है क्योंकि अभी कुछ सामान वगैरह लाद कर लाई थी अपनी गाड़ी में। तो कार की सेफ्टी के लिए इन्होंने ब्लैंकेट डाला हुआ है। तो चलिए चलते हैं मॉल, आपको भी घुमाती हूँ, मैं भी घूमती हूँ। हाँ जी, तो घर से निकलकर थोड़ी दूर चलकर अभी तो हम सर्विस रोड पर ही फंस गए हैं, लंबी लाइन लगी हुई है, बट कोई नहीं, ऑफिस टाइम हुआ है इसलिए है। मॉल में पहुंच गई हूं मैं, और अभी हम बैक डोर से एंटर कर रहे हैं। और आपको आज का टेम्परेचर बता देती हूं, आज है 88 डिग्री फ़ारेनहाइट्स में, और सेल्सियस में है 31 डिग्री। तो चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ बहुत प्यारे प्यारे से ये ब्रेसलेट हैं और मैचिंग इनके टॉप्स वगैरह हैं, डिज़ाइन अच्छी लग रही है। प्राइस क्या है, प्राइस क्या है? पढ़ने में ही नहीं आ रहा। ओके, $78 का है, और ये आर्टिफिशियल है ना? असली है, डायमंड है? नहीं, नहीं, वो नहीं, लेकिन जीवांसी है, डिजाइनर ब्रांड है। जीवांसी का है और ये डिजाइनर ब्रांड है। अभी आकर ज्वेलरी पर रुकी हुई हूँ, देखती हूँ कुछ पसंद आता है तो उठा लूंगी। अच्छा लग रहा है, है ना? डिजाइन भी अच्छी है बट साइज छोटी है। ओ, वैसे भी किसी ने रिटर्न किया है। या चलो चलते हैं यहाँ से। ओके, आई एम डन फॉर नाउ। सो गाइस, मॉल में हम लोग इधर से उधर घूम रहे हैं, श्रेया किसी स्टोर में गई है और मैं जा रही हूँ इधर रेस्टरूम में। तो अभी तक तो श्रेया ने कुछ बाई नहीं किया है, और मैं 100% श्योर हूँ कि उन्हें ऐसे शॉप में जाकर कुछ भी बाई नहीं करेगी, फाइनली वो मंगाएगी ऑनलाइन ही जाकर। चलिए खैर, आउटिंग हो गई हम दोनों की। श्रेया मुझे बाहर से ही दिख गई, फॉरएवर 21 में है, तो मैं भी उसके अंदर जा रही हूँ। मॉल में चलते चलते मुझे ना एक बड़ी अलग सी चीज़ दिखी, अलग नहीं बट हमारे लिए थोड़ी डिफरेंट है, मैं दिखाती हूँ। और आज मैंने पहली बार देखा है ये, यहाँ पर खुल गया है ब्राइडल बाजार। एक्चुअली ये इंडियन सूट वगैरह है, इसमें ठीक मेरे पीछे ही है ब्राइडल बाजार करके, और इसमें इंडियन क्लोथ्स है, और मुझे लेना नहीं है इसलिए मैं अंदर जा नहीं रही हूँ। वाह, प्रॉम ड्रेसेस, नाइस नाइस। हाँ जी, शॉपिंग हो गई डन, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। और श्रेया को कुछ खास पसंद आया नहीं, बस एक पजामा लिया उन्होंने। गाइस, मैं अभी अभी लौट कर आई हूँ, और श्रेया पूरे मॉल में टहली और टहलाई हो, भाई उसने ये किया एक पजामा, मुझे आश्चर्य हुआ कि इसने खरीद लिया। मुझे था कि बस खाली हाथ आएगी, बट कुछ है तो बाई किया उसने, और सारा कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करेगी, जल्दी पसंद नहीं आता। हाँ जी फ्रेंड्स, घर पे आई तो मुझे एक खुशखबरी मिली। हमारे लिए तो खुशखबरी है कि श्री ने हमारे लिए फूड ऑर्डर कर दिया है, और आकर मैं बनाई हूँ चाय जो कि अभी पीने जा रही हूँ, और उसके बाद हम जाएंगे अपना फूड पिकअप करने। क्यों जी, क्या क्या ऑर्डर किया है? बहुत सही ऑर्डर किया है। ऑफ कोर्स आपने ऑर्डर किया तो सही किया होगा। ओके, मैं भी आ जाता हूँ तुम्हारे फ्रेम में। हेलो एवरीवन, ऑर्डर किया है आज कबाब, अपने लिए कबाब, श्रेया के लिए कबाब, तुम्हारे लिए मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता एंड देन द प्लेट विद द राइस नान ब्ला ब्ला ब्ला। गुड, ओके, मजा आएगा, नया रेस्टोरेंट ट्राई करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर आपसे मिलती हूँ मैं चाय पीने के बाद। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं फूड पिकअप करने के लिए कबाब हट में, अब चलते हैं अंदर
और पिकअप करते हैं अपना फूड। श्री लगे पिकअप करने पे। क्या बोल रहे हैं? एक चीज ठंडा है कुछ, अच्छा सलाद होगा, सलाद होगा हाँ। बाकी सब गर्म है। तुम्हारा कैमरा कहाँ पकड़े हो? तुम्हारा ऊपर मुंडी कटी जा रही है। मुंडी कटने दो मेरी। नहीं या ऐसे आप तो कॉमेडी करने लग जाओ। कैमरा ऊपर नीचे जा रहा है। इट्स फाइन, आपसे बातें कर रही थी आपसे। लोकेशन वाओ नाइस, मस्त व्यू है। यहाँ पे आके लगता है हाँ पहाड़ी एरिया। बस इतना ही दूर, क्योंकि वो थोड़ा संकीर्ण सा हो गया है ना रोड, अदरवाइज तो पूरा ही पहाड़ी ही है। वही होगा और क्या होगा। गर्मा गर्म है। क्या है ये देखा जा रहा है उनका कैसा है? ये नॉनवेज है, बिहारी कबाब। देखते हैं कैसा है, बढ़ाई तो बहुत करते हैं लोग। कुछ वैसा है ना, मायवान जैसा देखने में लग रहा। या इंडियन वर्जन ऑफ मायवान कबाब। ये तुम्हारा? ये मेरे लिए स्पेशल, स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल डब्बा। ओके सो गाइस, अब हम लोग करते हैं डिनर और आप लोग से मिलती हूं। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज सुबह ही सुबह मैं और श्री ब्रूनो को लेकर निकल रहे हैं, आज उसका रूटीन चेकअप है तो वो लोग बाहर मेरा वेट कर रहे हैं। चलिए निकलते हैं हम लोग। ब्रूनो को गाड़ी में चढ़ा रहे हैं। ब्रूनो छुप कर बैठ गया। ब्रूनो की सवारी रेडी हो गई? हाँ जी। ओके चलो। अरे गड़गड़ कर रहा है, ये खोलना पड़ेगा अगर यार। रास्ता ब्लॉक करके क्या कर रहा है? डिगिंग की है, कुछ मेंटेनेंस हो रही है। चलो पहुंच गए हम लोग ब्रूनो के क्लिनिक। ब्रूनो जा रहा है डॉक्टर से मिलने। हाँ ब्रूनो को रूम मिल गया है और ये ब्रूनो, ये श्री और ये ब्रूनो का बेड। ब्रूनो डरा सहमा आकर गाड़ी में बैठ गया है। हो गया इसको, लग गए जो भी लगना था इंजेक्शन वगैरह। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूनम सिंह स्टूडियो। कल ब्रूनो को डॉक्टर को दिखाने के बाद मैं ले आई, उसके बाद आज मैं मेरी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और आज का पूरा दिन बहुत ही बिजी होने वाला है। अभी हम लोग निकल रहे हैं लंच के लिए और श्रेया भी आई हुई है और हमने सोचा कि रास्ते में संडे है, छुट्टी है तो सूरज को भी पिकअप कर लेते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया सूरज को आए हुए, मुझे लग रहा है एक महीना हो गया और अभी भी दो तीन वीक वो नहीं आएंगे क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है। तो सोचा कि क्यों ना सब लोग मिलकर चलते हैं लंच पर, और पूरी फैमिली इकट्ठी हुई है तो आज का ये प्लान है। तो अभी हम सारे लोग निकल रहे हैं लंच के लिए और आप लोगों को लग रहा होगा कि जब देखो तो बाहर ही खाते रहते हैं ये लोग, तो ऐसा नहीं है। कोइंसिडेंट है कि जब मैं जिस दिन वीडियो बनाती हूँ उधर बाहर का कोई प्लान बन जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग घर में भी बनाते खाते हैं। तो अभी रेडी होते हैं और आप लोग को दिखाती हूँ कि कितने ध्यान से ब्रूनो हमारी कन्वर्सेशन सुन रहा है जैसे कोई कथा चल रही है। ब्रूनो क्या है, बहुत ध्यान से क्या सुन रहा है? लो जी आ बैल मुझे मार कर लिया मैंने, मैं बाहर नहीं जा सकते, बारिश हो रही है। आज हल्की हल्की बारिश भी चल रही है और बाहर की ग्रीनरीज देख लीजिए, नई नई पत्तियां आई हैं तो कितनी सुंदर लग रही हैं। और अभी मेरे फ्लावर्स लगे नहीं, गमले खाली हैं, जल्दी ले आऊँगी मैं। ये स्नो में जो सरवाइव कर गए हैं वो है। चलिए कोई आ रहा, निकलते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं घर से और पीछे मेरे श्रेया बैठी स्टडी कर रही है, इधर बगल में है श्री और बाहर हो रही है हल्की हल्की बारिश और आज थोड़ी हमें देर भी हो गई है बट कोई नहीं।
देख कर मुँह में पानी आ रहा, खाने के बाद पछतावा, बट लूँगी ज़रूर। अभी हम लोग आए हैं आईकिया में लंच करने के लिए, और मैं, श्रेया, सूर्य अपना अपना फूड ले आया, श्री अपना लेकर आ रहे हैं। क्या लेने जा रहे हैं सूरज? आप वो लेकर आओ ना, नाइफ और स्पून सब क्यों है? या और केचप भी ले आना। वाह, पीछे का व्यू भी अच्छा है। सो गाइस, मैं मेरी फैमिली के साथ मेरा लंच एंजॉय करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। आपका फूड कैसा है? नहीं, मैं ये पूछ रही कैसा है आज का, है ना? सो गाइस, लंच करने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं आइकिया में, थोड़ा घूम फिर कर कुछ कुछ सामान देख रहे हैं। कारपेट पसंद आया? कौन सा? 610 किट। ये वाला भी अच्छा लग रहा है, ये जो $100 में। हाँ, कलर अच्छा लग रहा है इसका, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। $100 का ही है बस ये, $100 का कारपेट। इसका कलर भी अच्छा लग रहा है मुझे, और साइज अच्छा है ना, बट हमें ज़रूरत नहीं है। ये वाला भी बड़ा ही सोर सा कलर लग रहा, और ये है $180 का। क्या क्या है ये? $1 का। और कितना सस्ता है, एकदम 50% ऑफ, $15 था, 8 का मतलब। इसमें पूजा कर में। ले लो, ले लो, बैग ले आऊं? ये कलर आई थिंक ये ठीक रहेगा, है ना? काफी कलर, वाइट, ग्रीन, पिंक, ब्लू। सो गाइस, लंच करके, सूरज को कॉलेज में ड्रॉप करके और आईकिया में घूम कर हम लोग वापस निकल लिए हैं, और बल्कि हम लोगों ने लंच भी आईकिया में ही किया है, वहाँ के फूड कोर्ट में। और अभी हम लोग निकल लिए हैं घर के लिए, और घर पहुँच कर फिर हमें तुरंत ही निकलना होगा, कहीं और भी जाना है। आज का दिन पूरा बिजी या बिजी डे है आज। yes. और अभी वेदर भी काफ़ी, डे टाइम में तो अच्छा था, हल्की बारिश हो रही थी, और अभी क्लाउडी है, और अभी हमें ट्रैफिक भी मिल गई है, तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे। अभी चलेंगे। yes. चलिए, पहुंच गई हूँ कार्ड सेलेक्ट करने, और उठाती हूँ कार्ड। सो गाइस, हमारा यहाँ का काम हो गया, अब यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब घर जाकर चेंज करूँगी और फिर तुरंत ही निकलना होगा, क्योंकि अब हम लोग लेट हो रहे हैं। सो गाइस, हम लोग घर से निकल लिए हैं, और आज हमें हो गई है काफ़ी लेट, उस चक्कर में हम लोगों ने चेंज भी नहीं किया, मैंने तो बिल्कुल ही नहीं चेंज किया, इन्होंने फिर भी थोड़ा बहुत किया है, 50%। और यहाँ से हमें अभी जाना है, 70 किलोमीटर है, माइल, मतलब हाँ, अब 60 माइल बचा है, टोटल 70 माइल। तो पहुँचने में अभी, अब देर से निकले हैं तो पहुँचेंगे भी देर से। यह पहाड़ कितना अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है एकदम पहाड़ में अंदर ही घुसेंगे। नहीं देखो, ये रिवर है, बहुत सुंदर रिवर, पता नहीं शायद, चलो कोई तो रिवर है। बहुत सुंदर लग रहा है। वेलकम टू वर्जीनिया, वेलकम टू वर्जीनिया। अभी तक तो मेरे लिए मत है, लग रहा है पहाड़ पे ड्राइव कर रहे हैं अपने, हमारे यहाँ नहीं लगता। नहीं, कहीं कहीं
कहीं तो लगते ही है पूरा लग रहा पहाड़ पे है। हाँ तो पहाड़ पर ही जा रहे हैं हम, आपको लग रहा है हम तो जा ही रहे हैं पहाड़ पर। सो गाइस मैं इवेंट में पहुंच गई हूँ और थोड़ा सा एंड एंड पार्ट मुझे मिल गया स्पीच का और अभी जा रही हूँ फूड एंजॉय करने। कैसा लग रहा फूड? बढ़िया, मजा आ रहा, एंजॉय कर रहा। सो फ्रेंड्स हो गया, यहाँ की सेरेमनी हो गई डन, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और थोड़े लेट हो गए थे, थोड़ा सा मिस कर दिया था हमने स्पीच, बट ओवरऑल बहुत अच्छा था, खाना पीना भी हो गया, टाइम से ही हो गया। नहीं श्री इधर तो गाइज हम लोग निकल लिए हैं और रास्ते में बहुत सही सनसेट हो रहा है, अभी आप लोग को दिखाती हूँ। वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत सा व्यू है। ये राउट मुझे बहुत पसंद आया, सीनिक व्यू है, सीनिक अच्छा है, ट्रैफिक भी नहीं रहा, इसे फील नहीं होता कि आप एकदम डीसी एरिया में जा रहे हो। राउट पूरा बहुत सही लगता है, पीसफुली वाला राउट है, आराम से चलते जाओ और रोड भी जो कोई ऐसा स्लो नहीं है। जो बोलते थे ना नाक के सीध में चलते जाओ तो बस वही नाक के सीध में ही जा रहे हैं। मैं तो सनसेट देख रहा हूं, कितनी शाइनिंग है, देख नहीं देख सकती। Continue on US 15 north for 14 miles. Guys, sunset हो गया, sunset. Hey guys, अभी रात के 8 बज रहे हैं, टाइम ये देखिए और बाहर का व्यू देखिए, एकदम उजाला है और बड़ी ही हरियाली है इधर, और दूर दूर जहाँ गाड़ियाँ थोड़ी कम हो जा रही हैं तो एकदम वेदर लग रहा है जैसे फॉगी टाइप का, पेड़ के ऊपर ना फॉग की तरह दिख रहा है लेकिन वो फॉग नहीं है क्योंकि ये नया रास्ता ईजाद किए हैं। बड़ा मजा आ रहा है इस पर ड्राइव करने में क्योंकि ये सीनिक व्यू है और हाईवे फ्रीवे से हटकर है, है तो यहाँ की ट्रैफिक काफी कम है और मजा आ रहा। और इधर ना बहुत से फार्म वगैरह हैं और खेत वह थे, एक तरह से गांव का एरिया कह लो आप, यूएस का गांव है। थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा देती हूँ। हाँ तो ये है और ये फार्म हाउस है, पूरा तो नज़र नहीं आ रहा लेकिन, और ये देखिए क्या मस्त वाला सीन है, ये इधर है फार्म। थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा, बहुत प्यारे प्यारे फार्म हाउस हैं सबके। ड्राइव भी बहुत सही है, एकदम रोलर कोस्टर ड्राइव है इधर की, कहीं कहीं चलो आप तो स्विट्जरलैंड यूएस में है, स्विट्जरलैंड कर रहे हैं, मतलब एकदम से पीसफुल वाली ड्राइव है, बहुत मजा आया है ना ड्राइव करके। बोलते हैं ना जैसे हरियाली और रास्ता, बिल्कुल वही है, ये किसी का लैंड है, काफी बड़ा है। यही सोच रहा हूँ जमीने लेके खेती की है। और इधर देखिए, इधर कोई खेती हुई है, कटा है तो आई थिंक ये मक्के की खेती थी तो कट चुका है, अभी मक्का खत्म हो गया है और ये ड्राई दिख रहा जो यहाँ पे रोड है, कितनी ढेर सारी है। सो गाइज आइकिया गई थी मैं और वहाँ से मैं क्या क्या लाई हूँ आपको फटाफट दिखा देती हूँ। एक तो मैं ये लेकर आई लूफा, ये 3 का सेट है, और साथ ही मैं लेकर आई थी ये ब्लैक कलर की प्लेट और ये बोल। एक चीज और है, ये काफी अच्छा मिला मुझे, छोटा सा मैट है, इस पर बैठ कर पूजा वूजा करने के लिए ये अच्छा लग रहा था, कलर भी डिजाइन भी सब कुछ अच्छा था, बहुत ही सॉफ्ट। ये थी आइकिया की शॉपिंग। हेलो एवरी वन, party is over and I'm going to change, she will continue. So guys अभी हम लोग घर पहुंचे हैं, अभी रात के बज रहे 9:10 हो रहा है और वहां पर मैं कुछ ज्यादा शूट कर नहीं पाई क्योंकि माहौल ऐसा नहीं था कि शूट कर पाऊँ, बच्चों का ही था। और खाना पीना खाने के बाद और मतलब निकल तो हम लोग टाइम से ही गए थे, 70 माइल है यहाँ से तो टाइम लगता है, 1.25 घंटा लग जाता है एक साइड का, तो अभी आ गए हैं और बस यही था। वीडियो काफ़ी लंबी चौड़ी बन रही है तो आज की मैं मेरी वीडियो यहीं फिनिश करूँगी। उसके पहले आप लोगों से बोल दूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखा कीजिए और लाइक भी किया कीजिए, कॉमेंट्स भी कर दिया कीजिए, आपको वीडियो कैसी लगती है बताया कीजिए,
अच्छी बुरी जो भी लगती है कमेंट्स में मुझे बताया कीजिए, और क्या देखना पसंद करते हैं वो भी मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और आपके लाइक और कमेंट से क्या होता है कि यूट्यूब का एल्गोरिथम चेंज होता है, और एल्गोरिथम चेंज होता है तो यूट्यूब मेरी वीडियो को और आगे पुश करता है, और अगर आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखोगे, लाइक नहीं करोगे, तो यूट्यूब मेरी वीडियो को आगे पुश नहीं करेगा, वहीं रुक जाएगा, तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो 4-6 घंटे लगते हैं एडिटिंग में, और 2-3 राउंड करती हूँ उसको, तो और भी टाइम लगता है, फिर शूट करने में टाइम लगता है। तो मेरी मेहनत को ध्यान में रखते हुए लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए, और वीडियो में सजेशन भी दिया कीजिए कि क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। अब जैसे आप लोग स्कूल और कॉलेज जाते हो तो आपकी टीचर आपको बताती है कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये गलत है, ये सही है, वैसे आप लोग यहाँ मुझे टीच कीजिए कि कहाँ मैं सही हूँ, कहाँ गलत है, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरे टीचर आप लोग हो, तो आप लोगों का सजेशन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की मैं मेरी वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो में जो कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल की सपोर्ट के लिए, मेरी मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस एंड गुड नाइट।